किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं और दिमाग में एक ऐसे इंसान की छवि बनने लगती है जो आधा मेल और आधा फीमेल होता है। एक ऐसा इंसान जिसके लड़की जैसे बाल होते हैं और लड़कों जैसी दाढ़ी मूछें भी, और यही चीज हमारे समाज को पसंद नहीं आती, इसलिए किन्नरों को अपना एक अलग समाज बनाना पड़ता है, अपनी एक नई दुनिया बनानी पड़ती है। और दोस्तों, जब समाज अलग होगा, रीति रिवाज भी अलग होंगे, और किन्नरों के रीति रिवाज भी हमारे समाज में बहुत ही अलग होते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि किन्नर की शादी भी होती है। एक किन्नर आम इंसान की तरह पैदा होता है, लेकिन उसकी मौत बहुत अलग होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन्नर की मौत के बाद उसकी शव यात्रा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाली जाती है? इसलिए शायद आपने आज तक किसी किन्नर की शव यात्रा नहीं देखी होगी। कहा जाता है कि जो कोई भी किन्नर की शव यात्रा देख ले वो अगले जन्म में किन्नर बन जाता है। खैर, हकीकत क्या है ये कोई जानता, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको किन्नर से जुड़ी ऐसी तमाम बातें बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। किन्नर एक ऐसा समुदाय जिसे समाज ने हमेशा एक अलग नजरिए से देखा है। हम सब की तरह किन्नर भी एक आम बच्चे की तरह पैदा होते हैं, लेकिन जब उस बच्चे को पता चलता है कि वो किन्नर है, तो उसी पल से उसका नजर बदल जाता है और फिर जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। जब समाज को पता चलता है कि कोई बच्चा किन्नर है, तो उसे जल्द से जल्द समाज से अलग करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। कोई किन्नर अगर एक आम इंसान बनकर भारत देश में रहना भी चाहे, तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं, क्योंकि लोगों की मानसिकताएं कुछ ऐसी है। खैर, ऐसा नहीं है कि सभी किन्नर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। समाज के कुछ पढ़े लिखे और अच्छे लोग कुदरत के इस अजूबे को भलीभांति समझते हैं और किन्नरों को भी आम इंसान की तरह जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। वहीं बड़ी तादाद में लोग किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें खेलने वाला खिलौना समझते हैं। बहुत से लोग तो किन्नरों को मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है और किन्नर भी शिक्षित हो रहे हैं। वे लोग भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का हक रखते हैं, इसलिए किन्नर समुदाय का अस्तित्व सामने आया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किन्नर समुदाय ने जानबूझकर अपना एक अलग समुदाय बनाया, बल्कि समाज के लोगों ने उन्हें अपना एक अलग समुदाय बनाने पर मजबूर किया। किन्नर समुदाय भी हम लोगों की तरह जीवन यापन करते हैं, हम लोगों की तरह उनका भी खान पान बिल्कुल सेम टू सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो किन्नर समुदाय को समाज से अलग बनाती है। नए किन्नर का स्वागत। किन्नर समुदाय में जब कोई नया किन्नर आता है, तो उसका स्वागत बहुत ही धमाकेदार अंदाज में किया जाता है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि जब कोई किन्नर हमारी सोसाइटी को छोड़कर किन्नर समुदाय में जाता है, तो उसे कितना दर्द होता होगा, क्योंकि दिल तो उसके पास भी होता है। इसलिए किन्नर समुदाय के लोग अपने नए मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी किन्नर को पहले दिन किन्नर समुदाय में जाते देखा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर कोई बारात आ रही है। किन्नर समुदाय के लोग अपने नए मेहमान के स्वागत में ढोल नगाड़े भी बजाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सारे किन्नर मिलकर जश्न मनाते हैं और नए किन्नरों को उपहार के तौर पर चूड़ी, कंगन, साड़ी दी जाती है। गाना बजाना होता है और इस तरह नया किन्नर इस समुदाय का जिंदगी भर के लिए हिस्सा बन जाता है। नया नाम। किन्नर समाज में एंट्री लेने के बाद नए किन्नर का नामकरण भी किया जाता है। किन्नर को अपना पुराना नाम छोड़ना होता है और रीति रिवाज के अनुसार किन्नर समुदाय उसका नामकरण करता है। कहा जाता है कि किन्नर समुदाय का हिस्सा बनने के लिए अनेक प्रकार के रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर किन्नर समुदाय की सदस्यता मिलती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर परिवार और हमारे समाज में कोई ना कोई एक मुखिया जरूर होता है। ठीक इसी तरह किन्नर समुदाय में भी जगह के हिसाब से एक मुखिया होता है, जिसे गुरु माँ कहा जाता है। गुरु माँ अपने किन्नर समाज का पूरा दायित्व उठाती है। सारे किन्नर गुरु माँ की आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हीं के बताए दिशा निर्देशों पर चलते हैं। हमारे समाज की तरह किन्नर समुदाय में भी गुरु और शिष्य की परंपरा का प्रचलन है। किन्नर विवाह। दोस्तों, शायद आपको भी लगता होगा कि किन्नरों का विवाह नहीं होता होगा, क्योंकि विवाह तो स्त्री और पुरुष का होता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किन्नरों का विवाह भी होता है, लेकिन ये विवाह बहुत अलग होता है। दोस्तों, विवाह को जिंदगी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। प्रकृति ने इंसानों की दो प्रजातियां बनाई, स्त्री और पुरुष। विवाह के बाद स्त्री और पुरुष मिलकर इस संसार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को मिलाकर एक नई प्रजाति भी बनाई, जिसे किन्नर कहते हैं। वैसे तो किन्नर विवाह का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन किन्नर समुदाय में किन्नर विवाह की एक बहुत ही अनोखी परंपरा प्रचलित है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि किन्नर अपने भगवान अरावन देव से महज एक दिन के लिए विवाह करते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई एक दिन के लिए शादी क्यों करेगा। दरअसल किन्नरों का मानना है कि शादी के अगले दिन ही, यानी कि एक दिन बाद अरावन देव की मृत्यु हो जाती है, इसलिए यह विवाह महज एक दिन के लिए होता है। जिस तरह हमारे समाज में विवाह के समय गाना बजाना और खान पान होता है, ठीक उसी प्रकार किन्नर भी एक दिन के लिए सारे रीति रिवाजों और रस्मों को निभाते हैं। उसके अगले दिन ही किन्नर विधवा होने के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। दरअसल ये
रीति रिवाज महाभारत से शुरू होता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों ने माँ काली की पूजा की थी और विजय का आशीर्वाद लिया था, लेकिन इस पूजा को पूरा करने के लिए किसी एक राजकुमार की बलि देनी थी, लेकिन कोई भी राजकुमार बलि देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद राजकुमार अरावन माँ काली को अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बलि देने से पहले उसने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का प्रस्ताव रखा। अरावन माँ काली को अपनी बलि देने से पहले शादी करना चाहता था, लेकिन अब सवाल ये था कि भला एक दिन के लिए अरावन से शादी कौन करेगा। मामला उलझता देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अरावन से शादी कर ली। शादी के बाद अरावन ने अपनी बलि दे दी और भगवान विष्णु का अवतार मोहिनी विधवा हो गई। किन्नर भी अरावन को अपना आराध्य देव मानकर उनसे एक दिन के लिए शादी करते हैं और अगले दिन विधवा होकर विलाप करते हैं। तमिलनाडु का इल्लुपुरम जिला इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ के छोटे से गाँव में अरावन देवता का हजारों साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत के समय का है। तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा को इस मंदिर में हजारों किन्नर आते हैं और सभी किन्नरों का विवाह होता है। यहाँ पर पूरे 18 दिन भव्य महोत्सव होता है। 17वें दिन सारे किन्नर का विवाह होता है। पुरोहित पूरे रीति रिवाज के साथ किन्नरों को मंगलसूत्र पहनाते हैं और इसके अगले और आखिरी दिन अरावन देवता की एक बहुत बड़ी मूर्ति को सारे शहर में निकाला जाता है और फिर मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। अरावन देवता की मूर्ति के टूटते ही जिन किन्नरों का विवाह हुआ था वो सारे लोग विधवा हो जाते हैं और उन्हें अपना सारा श्रृंगार उतारना पड़ता है। इस मौके पर रोना धोना भी होता है, हालांकि बाद में किन्नर नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। किन्नरों का अंतिम संस्कार। किसी भी इंसान की अंतिम यात्रा को उसकी जिंदगी की महत्वपूर्ण यात्रा माना जाता है। हमारे समाज में जब कोई इंसान मरता है तो उसकी अंतिम यात्रा को फूलों से सजाकर ले जाया जाता है, लेकिन किन्नरों के साथ ऐसा नहीं होता। किन्नर की शव यात्रा को कभी दिन के समय नहीं निकाला जाता। कहा जाता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान किन्नर की शव यात्रा को देख लेता है तो अगले जन्म में वो भी किन्नर बन जाता है, इसलिए किन्नर की शव यात्रा को रात के समय निकाला जाता है। किन्नर की डेड बॉडी को जलाने से पहले उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की बंधी हुई चीज को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ऐसा करने से किन्नर की आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। और दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब कोई किन्नर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को खूब मारा जाता है, यहाँ तक कि जूते चप्पल से डेड बॉडी की पिटाई की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से किन्नर के सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, किन्नर समुदाय के रीति रिवाज आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।